it's a desert in there. And that's what you know. So we have proper our other body is in Calcutta, and we have scientists, doctors, academicians in Calcutta, who started in Calcutta, called Bali Youth Society for Children. Besides that, over here we have my president, and we have Uma, I am treasurer, and I'm the secretary of the main organization. But we have people coming in, and of course we have lots of friends who keep giving this little donation. They've been giving for like 16 years. उसमें से हमारा छोटे-मोटे प्रोग्राम हो जाते हैं। The major funders are TCS, the Start Consultancy Services, Empowered Foundation for this program, and we have SEC program is done by Startup. And we used to have Mahindra, NNT is there. We have NNT where we work on road safety and educating people. So there are lots of programs. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप should be inspired by this program? So I want to say to everybody जिनके पास सब कुछ है या बहुत कुछ है कि आप जब तक अपने कम्युनिटी में अपने सोसाइटी में वो प्यार वो सपोर्ट नहीं बांटेंगे तब तक सोसाइटी बेहतर नहीं होगी. आपके पास है तो आप दूसरों को भी दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एंड दैट्स हाउ वी हैव अ ब्यूटीफुल नेशन, अ वेरी पावरफुल नेशन. आई यू टेक देयर माइंड. ये बहुत बहुत बड़ा लंबा जर्नी रहा है. जब हम लोग कम्युनिटी में स्टार्टिंग में गए थे तब देखा था कि कई सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि लड़कियों को घर के बाहर भेजने के लिए रेडी नहीं थे, और जब उन्होंने शुरू किया तब भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था. कई बार ऐसे होता था कि लड़कियों को अगर आने में लेट हो रही है और घर पर लेट जा रहे हैं तो उन्हें वापस स्टॉप भी किया गया था. आज एक 6 महीने के बाद में हम लोग देख रहे कि जो लड़कियाँ बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई लड़कियाँ हमारे सामने आई थी वो आज फुल कॉन्फिडेंट है, और ये लड़कियाँ अभी इसके आगे जाकर उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्लान किए हुए हैं. जैसे कि वो कुछ लड़कियाँ की मेडिकल फील्ड में जाने वाली है, कुछ लोग हैं वो रिटेल के सेक्टर में जाएगी, और 10 लड़कियाँ हमारी ऐसी है जो स्कूल के सिस्टम से ड्रॉप आउट हो गई थी और वो स्कूल में कंटिन्यू कर रही है. तो ये बड़ा सा अचीवमेंट हमें मिला है, और हम पेरेंट्स को भी इसके लिए कन्विंस करने के लिए सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं. और अभी हम देखते हैं कि हमारी सारी लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस भरा हुआ है वो हमारे लिए एक एनर्जी है कि हम आगे के ग्रुप के लिए भी रेडी रहेंगे, और ये लड़कियाँ भी आगे जाके कम्युनिटी में उसी तरह से काम करेगी और लड़कियों को भी एम्पावर करने की कोशिश करेगी. इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ऐसी 3 लड़कियाँ हमारे साथ में थी जिन्होंने कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को अपने दिखाते हुए और महिलाओं को और लड़कियों के साथ में भी काम किया, और वहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों ने मेहंदी का कोर्स शुरू किया था कम्युनिटी के औरतों के साथ में. तो वो लड़कियाँ भी आगे ऐसे ही काम करती रहेगी. क्या कहेंगे, आपने क्या सीखा आपके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम? मैंने बहुत कुछ नया सीखा. जैसे कि मैं जब आई थी तो जैसे सर ने कहा, सही में हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे, हमारे अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि हम किसी के भी सामने खड़े होकर कुछ 2 शब्द भी बोल दें, वो इंटरव्यूज़ क्यों ना हो. पर हम मीन्स बोलना कुछ और चाहते थे और निकलता कुछ और था. बट एज सर ने जैसे कहा कि 6 मंथ्स के बाद जब हम वो पूरी हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, हम उतने चेंज हुए, हमारे अंदर बहुत सी कॉन्फिडेंस आ गई है. अब हम जैसे आपके सामने खड़े होकर बहुत कुछ बोल सकते हैं. हमने खुद के बारे में सीखा कि हमारे अधिकार क्या क्या होते हैं. सर ने हमें बहुत सारी एक्ट्स के बारे में बताया, और हमारी बहुत सारी सेशन भी हुई थी जैसे सॉफ्ट स्किल्स में भी हमें बहुत कुछ नया सीखने मिला था जिसके बारे में हमें नहीं पता था. और वो सर ने हमें ग्लोबली समझाया था कि वो इंटरनेशनल लेवल में कैसे सिखाया जाता है. आपने कैसे? जैसे सर ने बताया कि अभी जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो डरे डरे से थे, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को समझते गए और हम लोग का डर भी कॉन्फिडेंस आते गया. और फिर डेरिक सर का लेक्चर था सॉफ्ट स्किल का लेक्चर था, तो सर ने हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताया, अफर्मेटिव सेंटर के बारे में बताया. सर ने कहा कि अपने अच्छे पर्सन को कभी ना नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते. जैसे कि हम
मेरा खाना हो गया, मैं अच्छा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए ना कभी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग के अंदर बहुत सारा मतलब बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ें सीखे हम लोग। थैंक यू। आप कुनिका मैम के बारे में क्या कहोगे? कुनिका मैम ने ये जो हम लोग की कमेटी बनाई, कुनिका मैम ने ये जो बनाया है गर्ल्स के लिए, बहुत ही अच्छा है। इससे आगे की हमारे आगे भी जो गर्ल्स आने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें तरह तरह के सेशंस होते हैं और हर चीज़ की नॉलेज मिलती है कि हम सब इंडिया में रहते हैं तो ना हमें जात पात देखनी चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर चीज़ को मतलब गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बनना सिखाया, सही गलत की सोच समझ बताई गई है। हमें एजुकेशन पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। Thank you so much, everyone. Thank you.